हम जानेंगे अपना आयुष्मान भारत कार्ड जिससे 5 लाख तक का इलाज सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त होता है, वो कैसे अप्लाई करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम में आ जाना है। यहाँ पे हमें PMSETU टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पहला वाला लिंक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दिख रहा होगा, इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हम इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ हमें रजिस्टर / साइन इन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के साथ ही हम इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ हमें CSC कनेक्ट पे क्लिक करना है। याद रखिएगा गाइस कि हमें CSC कनेक्ट पे क्लिक करना है। CSC कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको PM कंसोलिडेट सबसे ऊपर वाले आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी सर्च बाय HHID/Aadhaar इस पे क्लिक करना है। ये हमें नया आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कैसे करते हैं वो हम बता रहे हैं गाइस। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सिंपल प्रोसेस है। अगर आप रूरल ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो आपको रूरल पे क्लिक करना है, और अगर आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो आप अर्बन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ अर्बन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे उसके बाद हमें अपना स्टेट और फैमिली आईडी क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ अपना राशन कार्ड नंबर डाल देना है, और उसके बाद हमें गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, हमारा राशन कार्ड में जो भी डिटेल्स होगा सब यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे कि फैमिली में जितने भी राशन कार्ड में ऐड हैं उसमें से जिसका हमें आयुष्मान भारत कार्ड बनाना है, यहाँ पर साइड में ऑथेंटिकेट पे दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जिस पे ऑथेंटिकेट किए हैं आपने उसका सारा यहाँ पे डिटेल्स दिखा देगा। यहाँ पे इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स हमें यहाँ इंटर करने हैं। आधार नंबर देखिएगा, इस पहले से इंटर है, हमें बस फिंगर स्कैन करना है। देखिए OTP के माध्यम से भी आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, पर मैं यहाँ फिंगर स्कैन करके डिटेल्स वेरीफाई करना चाहता हूँ। आप मोबाइल नंबर डाल के OTP इंटर करके भी बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड, पर मैं यहाँ फिंगर पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद मेरे पास यहाँ डिवाइस कनेक्ट है तो उसमें से मैं फिंगर स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ आई एग्री विथ आधार शेयरिंग टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें स्कैन योर फिंगर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिएगा यहाँ मेरा फिंगर स्कैन हो गया। यहाँ उसके बाद मुझे यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर, देखिएगा जब फिंगर जैसे ही आपने स्कैन किया जिसका मैं आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ उसका सारा डिटेल यहाँ पे सो गया। नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ फोटो वगैरह सारा कुछ आ गया है। बस फिंगर स्कैन करने के साथ ही गाइज यहाँ पे OTP भी इंटर करेंगे तो भी आपको गाइज सारा डिटेल्स यहाँ पे सो हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, तो चलिए मैं यहाँ अपना कैप्चा फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद मुझे यहाँ एक एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिएगा यहाँ बेनिफिशियरी है सबमिटेड अप्लाइड फॉर आयुष्मान कार्ड रेफरेंस नंबर यहाँ मुझे मिल गया है। मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है गाइज। अब देखिए दोबारा मैं इस पेज पे आके अगर उसी आदमी का फिर से करना चाहूँगा आयुष्मान कार्ड अप्लाई, तो देखिए क्या लिखता है, बेनिफिशियरी ऑलरेडी अप्लाइड फॉर आयुष्मान कार्ड। तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि आप सीख गए होंगे आयुष्मान कार्ड कैसे